गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, दैट इज कैपेसिटर। अभी तक हमने दो चैप्टर स्टडी कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें कि पहला चैप्टर जो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और दूसरा जो चैप्टर था वो हमारा था इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है उनका क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है, क्या क्या यूज होता है। अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर जो होता है इसको तरह तरह के भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, और जनरली हम लोग जो कलोगाई की भाषा है, मतलब जो डेली और जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियंस की जो भाषा होती है, इसको जनरली क्या कहा जाता है, कंडेंसर भी कहा जाता है। देखिए, आप सब के सब इस वर्ड को सबसे ज्यादा कब सुनते होंगे, जब आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है या फैन ढंग से कम काम करना बंद कर देता है, तो उस समय हम लोग ये जो शब्द है कंडेंसर की, इसका कंडेंसर चेंज कर दो, इसका कंडेंसर चेंज कर दो, ये शब्द हम लोग सुनते रहते होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि कंडेंसर होता क्या है, कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, तो जब देखिए, बेसिकली ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक तरीके से चार्ज स्टोरेज का माध्यम होता है। क्या होता है? चार्ज स्टोरेज का एक माध्यम होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे ये चार्ज स्टोरेज का माध्यम होता है। अब देखिए, जब किसी दो कंडक्टिंग सरफेस, देखिए ये एक मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टिंग सरफेस है और एक कंडक्टिंग सरफेस है, दो कंडक्टिंग सरफेस को इंसुलेटिंग मीडियम मान के चलिए कि ये दोनों यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम है। क्या है यहाँ? इंसुलेटिंग मीडियम है। एक दूसरे को अगर सेपरेट किया जाए, क्या किया जाए? सेपरेट किया जाए। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक, तब इसे कैपेसिटर, तो इसे ये जो पूरा पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी प्रकार के चार्ज हैं, ये जितने भी चार्ज हैं, उनको यहाँ पर जमा करना। कैपेसिटर का उद्देश्य कम स्थान पर चार्ज को जमा करना होता है। ठीक है, तो हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसका काम क्या होता है, इस कैपेसिटर या संधारित्र का वर्क होता है कि ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस को कैपेसिटर प्लेस तथा इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक परावर्तक कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंडक्टिंग सरफेस है उसको कैपेसिटर प्लेट, देखिए ये कैपेसिटर प्लेट है, ये भी कैपेसिटर प्लेट है, इन्हें कैपेसिटर प्लेट कहा जाता है, और इनके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसे क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये दिस इंसुलेटिंग मटेरियल जो है हमारा, बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पैरा विद्युतांक भी हमें इसे कहते हैं। तो ये जो कैपेसिटर होता है या संधारित्र होता है, इसको देखिए कंडेंसर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र जिसे हम कहते हैं, कि चार्ज स्टोर करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटर का द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, ये किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? जो कैपेसिटेंस है वो किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, प्लेट के का क्षेत्रफल क्या है, प्लेट के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसका ये एरिया क्या है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें है इस्तेमाल, इन तीन चीजों के ऊपर हमारा कैपेसिटेंस निर्भर है।
इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर हमारा संधारित्र जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट स्टडी की कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें आएगा वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस संधारित्र कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर संधारित्र जो होता है के चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको डी प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में जानना चाहें तो कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। और ये जो कैपेसिटेंस होता है ये अगर चार्ज मान लेते हैं, इफ चार्ज को हम लोग क्यू से डेजिग्नेट करते हैं तो ये जो विभवांतर होता है ये पैरेलल प्लेट्स के बीच का विभवांतर जो होता है, अगर इसको प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें है, डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो अगर इसका इसमें वोल्टेज है वी तो इसके समानुपाती होता है। तो अगर q by v को ले हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और q by v is equals to क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।